सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मूवीज इन हैप्पी बर्थडे सुपरमैन। जी हाँ दोस्तों, हमारा सुपरमैन 82 साल का हो चुका है। कल ही यानी 29 फरवरी को उसका जन्म हुआ था 1938 में, जो फर्स्ट कॉमिक्स आई थी सुपरमैन नाम से, तो उन्हीं में उनका जन्म हुआ था। और हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है सुपरमैन रेड सन। जी हाँ दोस्तों, ये डिजिटली प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। होम रिलीज बोल सकते हैं इस फिल्म को, जिस तरह से मैंने इसकी ओरिजिन पहले ही कंप्लीट कर ली है। आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसकी ओरिजिन जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि रेड सन एक्चुअली सुपरमैन रेड सन कौन है। तो आज हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, जो कि सुपरमैन रेड सन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म है। इसके बारे में हम डिटेल में रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ बताऊंगा ये फिल्म कितनी अच्छी है सुपरमैन के हिसाब से। तो चलिए आइए मिलके देखते हैं इसका रिव्यू। तो लेट्स बिगिन। सुपरमैन रेड सन ये अभी आई हुई फिल्म है, जो कि डिजिटली रिलीज हुई है WB की तरफ से। DC का बहुत बेहतरीन एनिमेशन आप इस फिल्म में बखूबी से देख सकते हो। सिम लियू इसके डायरेक्टर है, जो कि इसके फ्रेंचाइजी के सारे पार्ट्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स वो बना चुके हैं। इस वजह से उनका डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा सटीक है, इतना अच्छा है आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और ऊपर से जो नरेशन की स्टाइल है इस पूरे मूवी में, वो भी आपको बखूबी से पसंद आएगी। ओवरऑल अगर कास्टिंग की बात की जाए, जो उनके वॉइस डब करने वाले आर्टिस्ट है, उन्होंने भी उनका काम बखूबी से वहाँ पे किया है। आपको कहीं पे भी ऐसे बोर फील नहीं होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा प्लॉट रखा गया है। और कट टू कट इतना अच्छा रखा गया है कि आपको बोर भी नहीं होता है, फटाक से ये फिल्म खत्म भी हो जाती है। कुछ आसपास पौने के दो घंटे के आसपास की ये फिल्म है, 1 hour 45 minutes के आसपास की पूरी पूरी फिल्म है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा सुपरमैन को एक अनोखे अंदाज में देखने के लिए। तो आइए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सुपरमैन रेड सन की स्टोरी क्या है? तो हमारा जो काल एल है, जो कि आया है बाहर से, अपने क्रिप्टॉन प्लैनेट से आया है, और वो आके US में गिरता है, हमारा ओरिजिनल सुपरमैन। बट इस फिल्म में क्या होता है, वो गिरता है सोवियत यूनियन में, यानी रशिया के अंदर वो जाके गिरता है। और वहाँ पे वो एक छोटा बच्चा रहता है, वहाँ पे वो बड़ा होकर सुपरमैन बनता है। इसी वजह से सोवियत यूनियन का जो उसके चेस्ट के ऊपर जो लोगो है, वो सोवियत यूनियन का दिया गया है, और वो उनके लोगों की रक्षा करना चाहता है। उनके वो सरकार से जुड़ के वो सारे प्लान्स करता है, जो World War II के ज़माने में जो चीज़ें हुई थी उसको बचाने की कोशिश करता है। जो 3-2 साल का टाइम लग चुका है, वो 3 घंटे में ही वो पूरी लड़ाई ख़त्म कर सकता है। इस तरह से उसके पास पावर्स तो बताए गए हैं, जिस तरह से सुपरमैन के पास जितनी पावर्स है उतनी वो यूज़ करता है इस फिल्म में, वो भी बखूबी से। तो आगे चल के वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाता है, सोवियत यूनियन के साथ एक पहल करता है कि मैं यहाँ पे एक शांति बहाल करूँगा, इस पूरे हमारे जितना भी हमारा देश है, जितने भी हमारी जगह है, ये मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करूँगा हमेशा के लिए। ये वो कसम खाता है स्टार्टअप में ही। और हाल ही में उसके बाद थोड़े दिनों के बाद एक मेट्रोपोलिस सिटी में, यानी सोवियत यूनियन में नहीं, मेट्रोपोलिस सिटी में, यानी कि US में, कुछ तो शिप आके गिरने लगती है उस मेट्रोपोलिटन सिटी में। तो सुपरमैन को पता चलता है और सुपरमैन वहाँ पे चले जाता है उस शिप को हटाने के लिए, यानी उन लोगों को बचाने के लिए। तो ये तो है सोवियत यूनियन का यानी रशिया का, और ये जाता है US में। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी होती है वहाँ पे। लुईस लेन भी आती है, लुईस लेन बोलती है कि तुम इंटरव्यू करोगे मेरे साथ? तो वो बोलती है कि भाई अगर मीडिया के साथ इंटरव्यू करना है, यानी खुद को ही मोड़ तोड़ के आप लोग सारी चीज़ें प्रेजेंट करोगे और ऊपर से मेरी ही छवि आप बिगाड़ना चाहोगे, ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। बट नेक्स्ट डे रात को वो जो डेली प्लैनेट है उसके ऊपर लुईस लेन से मिलता है, लुईस लेन से सारी बातें डिस्कस करता है। बट एक क्लासिफाइड फाइल जो है वो लुईस लेन सुपरमैन को देती है कि तुम्हारी गवर्नमेंट, देखो तुमको तो पता है, तुमको तो प्रोटेक्ट करना है, लोगों को बचाना है, बट तुम्हारी गवर्नमेंट पीठ पीछे तुम्हारे क्या कर रही है। तो उसे ये बात जब पता चलती है कि भाई अंदर ही अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है, खूब बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा भी आता है, जिस गुस्से का परिणाम आप इस फिल्म में बखूबी से देख सकते हो। और उसके बाद वो खुद ही वहाँ पे लीडर बन जाता है सोवियत यूनियन में, और जहाँ पे वो प्रोटेक्ट करने लगता है लोगों को, और ये काफ़ी ज़्यादा दायरे में रखने की कोशिश करता है कि भाई किसी के ऊपर हमला ना किया जाए, सारे लोग शांतिप्रिय तरीके से रहे। और जिस तरह से वो राजनीति भी सीख लेता है इस फिल्म में, वो भी हमें बखूबी से दिखाई देता है। सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो बचाने की हर बार लोगों को कोशिश करता है। बट इस फिल्म में और एक पॉइंट है, जो कि इसका विलन है, जो कि है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर, लुईस लेन, इनका पूरा रिलेशन बताया गया है। लुईस लेन जो है वो लेक्स लूथर की वाइफ बताई गई है इस फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, पूरी पूरी उल्टी सुलटी पूरी पूरी स्टोरी है, जहाँ पे लेक्स लूथर मेट्रोपोलिटन सिटी में
कुछ ना कुछ चीजें करते ही रहता है, जिस तरह से वो पूरे कॉमिक्स में करता है उसी तरह से इस फिल्म में भी हमें बखूबी से करते हुए दिखता है। तो वो क्या करता है, जो सुपरमैन है जो कि हमारा सोवियत यूनियन का सुपरमैन है, उसके ही शिप के कुछ क्लोन्स लेके, कुछ चीजें लेके, कुछ डीएनए लेके खुद का एक यूएस का सुपर हीरो बना लेता है, यानी सुपरमैन बना लेता है, जिसको उसके साथ भिड़ा देता है। वहाँ पे डायना प्रिंस भी दिखाई गई है हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से। और ओवरऑल अगर डायना प्रिंस की बात की जाए तो वो सुपरमैन से प्यार भी करने लगती है, और उसको ऐसा भी लगता है कि भाई सोवियत यूनियन में जो सुपरमैन कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसे ही वो करते रहेगा तो वो उसको सपोर्ट भी करेगी। बट एक तरफ उसको ये भी मानना है कि पुरुषों के वजह से ही ये सारी लड़ाइयाँ होती रहती है। तब जाके वो जो दूसरा यूएस का सुपरमैन है और ये हमारा सोवियत यूनियन का सुपरमैन, इन दोनों की भिड़ंत होती है, बहुत ज़्यादा झड़प होती है उसमें। ऑब्वियसली हमारा सोवियत यूनियन वाला सुपरमैन जीत जाता है। बट आगे क्या क्या चीज़ें होती है, लेक्स लूथर इस वजह से चिढ़ा हुआ है उससे कि भाई वो कैसे क्या राज कर सकता है, मैं क्यों नहीं राज कर सकता, ये उसके दिमाग में बैठा रहता है कीड़ा। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें करते ही रहता है। ओवरऑल आपको बहुत ही एंगेजिंग सा प्लॉट लगेगा, मस्त फिल्म है। आपको अगर देखनी है तो अवेलेबल है, गूगल पे जाके आप देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अमेजोन से आप बाय भी कर सकते हो इसकी डीवीडी। बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म है, मैं दूंगा इस फिल्म को 5/4 स्टार। और अभी तक आपने अगर देखी नहीं है तो जाके देख लो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर आपने देखी है तो आपको ये पूरी फिल्म कैसी लगी। हाँ, ये कॉमिक से ही अडेप्ट की गई है, इस वजह से आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगी, यानी ओवरऑल वही की वही स्टोरी लगेगी। बट सुपरमैन का एक अलग ही वर्जन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि ज़्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर रहा है। तो बहुत अमेजिंग सी ये फिल्म है। तब तक के लिए इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवी सिंह।